कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की आज की शुरुआत आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला के देव वर्मा स्मृति स्टेडियम में पुलिस स्मृति दिवस परेड में हिस्सा लिया और श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा केदार के भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छठवीं बार केदारनाथ पहुंचे हैं। वे यहां 2.5 घंटे रहेंगे। पीएम ने बाबा केदार को नमन कर मंदिर के गर्भगृह की और प्रस्थान किया और उन्होंने यहां पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली सामने आई है। प्रयागराज के एक अस्पताल में डेंगू के मरीज को प्लाज्मा की जगह मौसमी का जूस दे दिया गया, जिससे मरीज की मौत हो गई। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2119 नए मामले सामने आए हैं, जबकि सक्रिय मामले 25,037 दर्ज किए गए। उत्तरी अमेरिका के मेक्सिको में बड़ा ट्रेन हादसा होने की खबर मिली है। बताया जा रहा है कि यहां तेज रफ्तार ट्रेन तेल के एक टैंकर से टकरा गई और पलट गई। इसके बाद ट्रेन में आग लग गई, जिसकी चपेट में आसपास मौजूद घर भी आ गए। लगभग 946 करोड़ की लागत से बनने वाले सोन प्रयाग केदारनाथ रोपवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिलान्यास किया। महाराष्ट्र के पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि वाघोली इलाके में एक निजी सोसाइटी के सेप्टिक चैम्बर की सफाई के दौरान दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक लापता हुआ है। सूत्रों के अनुसार असम पुलिस ने जानकारी दी है कि आज सुबह असम के कामरूप जिले के नगरबेरा इलाके में प्रतिबंधित पीएफआई के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक को हिरासत में लिया गया है। दुनिया भर में दिवाली की धूम शुरू हो गई है। वहीं हिंदुओं का ये सबसे बड़ा पर्व अमेरिका में भी उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस व पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपने अपने आवासों पर पार्टी रखी है।